हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। तो देखिए, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हम आज शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में करते जाएंगे हम लोग। पहले जो एकदम न्यूएस्ट, बहुत ही ज्यादा न्यू है, जैसे कि अगस्त मंथ चल रहा है, तो अगस्त मंथ में जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट न्यूज हो रखे है वो पूरा कर लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद अगस्त से शुरू करेंगे और फिर हम लोग जान 2022 तक, ठीक है। तो जनवरी 2022 तक ये पूरा हम लोग कवर अप कर लेंगे, ओके। तो सबसे इम्पोर्टेंट अगस्त मंथ में क्या इवेंट हुआ था, वो हुआ था कॉमनवेल्थ गेम। तो कॉमनवेल्थ गेम जो है उसको आज हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज हम लोगों ने बहुत ज्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं, तो हर एक गोल्ड मेडल का नाम हमें पता होना चाहिए, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो ऐसे इनाम दे देता है गोल्ड मेडलिस्ट का, और पूछा जाता है कि ये कौन से गेम से रिलेटेड है, तो इम्पोर्टेंट है, तो सारा कुछ हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम्स इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये हर 4 साल में एक बार गेम होता है, ठीक है, हर 4 साल में एक बार गेम होता है, दैट्स व्हाई एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। कॉमनवेल्थ गेम जो है CWG, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम, ये 2022 का जो था, ये 22nd जो था, ये ओके एडिशन था, इसको ऐसे करके लिखते हैं ये लोग, तो ध्यान रखना है, बहुत इजी हो गया। 2022 वाला जो गेम था वो 2022 नंबर का है, और जब भी कॉमनवेल्थ का गेम चलता है, जैसे 2022 का जब चल रहा था, ठीक है, पैरेलल बेसिस पे, उसी टाइम पर अगले 4 साल वाला जो अगला एडिशन है, मतलब 23rd नंबर का जो एडिशन है, उसका वेन्यू भी डिसाइड कर लिया जाता है, और वो भी जो है डिक्लेयर कर दिया जाता है। जैसे पहले देखो, 2018 में जब हुआ था गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में ये गेम हुआ था, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में गेम हुआ था, उसी समय बता दिया गया था कि 2022 में बर्मिंगम, ठीक है, बर्मिंगम यूनाइटेड किंगडम में जो है ये मैच होगा, और 2022 के गेम चलते समय ही पैरेलल बेसिस में 2026 का गेम कहाँ होने वाला है वो भी बता दिया गया है, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ये गेम होने वाला है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है। अब अच्छा, आप लोगों को करना क्या है, देखो अब ये PDF मिलेगी नहीं मिलेगी वो तो अलग बात है, PDF तो दे ही दूंगी मैं ऑब्वियसली, बट यहाँ पे आप लोगों को पूरा PDF पढ़ने की जरूरत है नहीं। क्या करो, एक पेज रखो आपके साथ, एक कोरा सा पेज रखो, और जितना आपको पढ़ाया जा रहा है, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स ऐसे लिखो उसको शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, 2022 ये कहाँ हुआ था आपका, हुआ था बर्मिंगम यूनाइटेड किंगडम, इसमें हमारी रैंक क्या है, किसने कौन सा गोल्ड मेडल जीता, और उस बस एक बंदे का नाम जिसने भी गोल्ड मेडल जीता, और वो कौन सा गेम से रिलेटेड है, पूरा ऐसी राम कहानी निबंध लिखते बैठने की जरूरत है नहीं, एकदम शॉर्ट शॉर्ट में लिखो और निपटा दो, ठीक है, मतलब जैसे वीडियो खत्म करो वैसे तुरंत उसको याद कर लो और बस बात खत्म, मतलब वो दिमाग से नहीं जाना चाहिए, ऐसे मत करो कि पूरा एक पेज लिख रहा हूँ या नोटबुक बना रहा हूँ, ऐसे मत करो, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम जो है, देखो ये जो गेम है, ये कॉमनवेल्थ गेम ये खेला जाता है ब्रिटेन के जो कॉलोनीज हुआ करते थे पहले, ठीक है, ब्रिटेन के 50 से ज्यादा कॉलोनीज थी, इंडिया भी ब्रिटेन की कॉलोनी था, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, सॉरी USA, ये सारे जो थे वो ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करते थे। तो ब्रिटेन के कॉलोनी में उन्होंने 1930 में डिसाइड किया कि जो है ब्रिटेन के जितने भी कॉलोनीज है उनको इकट्ठा मिला के कोई स्पोर्ट्स इवेंट ना जारी कर दे, तो उस टाइम से कॉमनवेल्थ गेम शुरू हुआ, और पहला जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था वो कैनेडा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कैनेडा में हुआ था, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो ये क्या करो नोट डाउन कर लो, ओके। चलो अभी जो 2022 का हुआ है वो हुआ है आपका 28 जुलाई को स्टार्ट हुआ है, 8 अगस्त को, ओके, 8 अगस्त को यहाँ पे खत्म हुआ है, तो अभी रिसेंट की बात है ये, एथलीट्स पार्टिसिपेट, ये कुछ याद रखने की जरूरत है नहीं, ये याद रखो, पेरी द बुल जो है ये मास्केट है, मास्केट माने जैसे लोगो, जैसे एम रेलवे का लोगो आपको दिखाई दे रहा है उस तरह से लोगो, मतलब उसकी पहचान, उस गेम की पहचान, तो पेरी द बुल याद रखना है। 2022 का जो आपका कॉमनवेल्थ गेम हुआ है उसका मैस्कट क्या है, पेरी द बुल, ओके। जो भी गोल्ड मेडलिस्ट वगैरह देखोगे आप, या फिर कोई भी मेडलिस्ट देखोगे जिसका फोटो वगैरह क्लिक किया जा रहा है, तो उसके हाथ में बुल दे दिया जा रहा है, ये पेरी दे दिया जा रहा है, तो पेरी क्या है, कॉमनवेल्थ गेम की पहचान है, 2022 कॉमनवेल्थ गेम की पहचान। आगे देखो, हमारी रैंकिंग हमें याद रखनी है, पहले टॉप 3 तो याद ही रखने, साथ ही साथ हमारा क्या रैंक है वो याद रखना है। तो देखो, ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं यहाँ पे, 67 गोल्ड, यहाँ पे गोल्ड लिखो, गोल्ड सिल्वर एंड ब्रोंज, तो ऑस्ट्रेलिया ने 67 गोल्ड जीते हैं, 57 सिल्वर और 54 आपके ब्रोंज जीते, 178। अब क्या ये सबका याद रखना है, नहीं, इनका किसका भी याद नहीं रखना है, बस आपको इंडिया का याद रखना है। इंडिया ने जो देखो, इंडिया है 4th रैंक पे, कौन सी रैंक पे है, फोर्थ नंबर रैंक, और हमने जीते हैं 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23
23 ब्रोंज, ऐसे ऐसे मिलाकर 61 टोटल। पिछले साल जब 2018 का जब गेम हुआ था बच्चों, तब हमने जीते थे 25 गोल्ड, 20 सिल्वर और 20 ब्रोंज। ठीक है, 25 गोल्ड या 26 गोल्ड, सॉरी 26 गोल्ड, 20 सिल्वर और 20 ब्रोंज, ऐसे करके हमने टोटल 66 जो है मेडल जीते थे। तो आप बोलोगे मैम इस बार हमने कम क्यों जीते, क्योंकि इस बार जो है 2018 में शूटिंग गेम अवेलेबल था उस टाइम पे। ठीक है, शूटिंग गेम को वहां पे कंसिडर किया गया था, लेकिन 2018 में ही बता दिया गया कि 2022 में जो गेम होगा, ठीक है, मतलब जो कॉमनवेल्थ गेम होगा उसमें शूटिंग ये गेम ही नहीं रखेंगे हम लोग, वरना हमारा रैंक ये माना जा रहा था, ये प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि हम सेकंड रैंक पे आ जाते हैं अगर शूटिंग गेम को इन्वॉल्व किया जाता है, शूटिंग गेम को अलाउ किया जाता, बट नहीं किया इन लोगों ने। तो ये भी याद रखना है, अगर एग्जामिनर का बहुत ही दिमाग सटका हुआ हो तो वो 2018 का पूछेगा, लेकिन जहां तक मुझे मेरा एक्सपीरियंस कहता है बस 2022 का ही याद रखो। कितना याद रखेगी नन्नी सी जान, वह जितना याद हो रहा है उतना याद रखो। देखो 2022 में हमारी रैंक आ रखी 4, ठीक है, फोर्थ रैंक पे हम लोग, कितने मेडल के साथ, 61 मेडल टोटल, मेडल याद रखना है टोटल 61 मेडल्स, उसमें 22 जो है गोल्ड, 16 जो है सिल्वर और ब्रॉन्ज है 23, 22 16 23 ऐसे करके याद रखो। ओके, ये जो इंडियन गोल्ड मेडलिस्ट की पूरी एक लिस्ट दे रखी है मैंने, तो 22 के 22 आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है, वो कौन से गेम से रिलेटेड है वो याद रखना है। तो मैं आपके दिमाग में वो कहानी भरते जाऊंगी, तो डोंट वरी अबाउट इट। आप लोग ऐसे मत सोचो कि मैम इतना लंबा कैसे याद रखेंगे 22 नाम, डोंट वरी, मैं पूरा आपके दिमाग में कहानी ऐसे भर जाऊंगी कि आप लोगों को ऐसा लगेगा अरे ये तो बहुत ही आसान है, किसी का मतलब लेके हम लोग एक एक घंटा या दो दो घंटे जो न्यूज पेपर पढ़ते हैं उससे आसानी से, एकदम जो है उससे भी ज्यादा आसान तरीके से मैं आप लोगों के दिमाग में वो चीज डाल दूंगी। एक घंटे का वीडियो हो जाएगा शायद, मे बी। चलो स्टार्ट करते हैं, एक घंटा नहीं थोड़ा कम टाइम रहेगा। तो साइको मीराबाई चानू, साइको मीराबाई चानू कॉमनवेल्थ गेम 2022 में इन्होंने पहला गोल्ड मेडल जिता के दिया था इंडिया को, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन भी आना चाहिए कि मैम इंडिया ने कभी होस्ट नहीं किया है कि कॉमनवेल्थ गेम, तो किया है, इंडिया ने होस्ट कर रखा है 2010 में, ठीक है, इंडिया ने होस्ट कर रखा है 2010 में, इसके बाद नहीं किया। ओके, तो इंडियन गोल्ड मेडलिस्ट की पूरी लिस्ट है साइको मीराबाई चानू, ये है आपकी 49 केजी कैटेगरी में, ठीक है, इनका ये याद रखना कैटेगरी कौन सी, 49 केजी कैटेगरी में ये आपकी जो है, लेट मी जस्ट शो यू हर इमेज, वेट लिफ्टर, ठीक है, इन्होंने गोल्ड जीता और ये कॉमनवेल्थ गेम का पहला गोल्ड था इंडिया का, ठीक है, फर्स्ट गोल्ड ऑफ इंडिया। तो मीराबाई चानू जो है ये मणिपुर से, ये भी पूछा जाता है कि कहाँ से बिलोंग करती है, तो ये मणिपुर से बिलोंग करती है और इन्होंने पहला गोल्ड जीता कर दिया था इंडिया को। तो यू शुड रिमेम्बर ओनली वन थिंग कि कौन से कैटेगरी से, मतलब वेट जो है 49 केजी कैटेगरी से, और ये जो है वेट लिफ्टर है, क्या है, वेट लिफ्टर है, बस इतना इनका नाम याद रखो, दैट्स इट, ऐसे लिखना है आपको मीराबाई चानू, ठीक है, मीराबाई चानू आपकी नोटबुक में, और उसके सामने लिखना है वेट लिफ्टर और 49 केजी, ऐसे शॉर्ट में लिखो। देखो ये भी मैं सब कुछ बता रही हूँ आप लोगों को, मतलब लाइक कि 10वीं 11वीं के बच्चों को कैसे बता देता उस तरह से बता रही हूँ। तो यू शुड लाइक क्या बोलते हैं उसको, अप्रोच ऐसे ही रखो नोट्स बनाने की और उसको याद करते जाओ, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में आपको अगर अच्छा लगता है उसी हिसाब से लिखो जैसा आपको लिखना है, लेकिन छोटा, कम, एकदम से निबंध नहीं लिखना है, ठीक है। चलो जेरेमी लारिन लुंगा, ठीक है, जेरेमी लारिन लुंगा, तो ये देखो ये सेकंड गोल्ड इन्होंने जीता था, ये जो है आपका मेन 67 केजी कैटेगरी, ठीक है, मेन 67 किलो कैटेगरी और महज 19 इयर्स, ठीक है, सिर्फ 19 साल का लड़का है ये, लेट मी जस्ट शो यू द इमेज ओवर हियर, ये देखो महज 19 साल का लड़का है, इन्होंने भी वेट लिफ्टिंग में गोल्ड जीता है, ही इज फ्रॉम मिजोरम, कहाँ से है ये, मिजोरम से। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि ये कहाँ से बिलोंग करते, तो ही बिलोंग फ्रॉम मिजोरम, ओके, मिजोरम से बिलोंग करते हैं और वेट लिफ्टिंग में इन्होंने गोल्ड जीता है, सेकंड गोल्ड जो जीता था इंडिया के लिए इन्होंने ही जीता था। नेक्स्ट है आपका अचिंता शिवोली, ठीक है, अचिंता शिवोली, तो ये देखो इन्होंने, इनके बाद जेरेमी लारिन लुंगा के बाद तुरंत बाद, ठीक है, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता, ये तीसरा गोल्ड मेडल था इंडिया के लिए, ये भी वेट लिफ्टिंग इवेंट में जीता है इन्होंने, ठीक है, कहाँ पे, वेट लिफ्टिंग इवेंट में जीता, ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते, लेट मी जस्ट शो यू हिज इमेज, लुक हैंडसम है ना, चलो ठीक है, आपके दिमाग में बस ये चीज डालने के लिए मैंने ऐसी कहानी बताई, ओके, सो तो ये बिलोंग करते हैं वेस्ट बंगाल से, कहाँ से बिलोंग करते हैं, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, आई थिंक ही इज, ये भी बहुत यंग है शायद, या शायद 19 साल की, महज 19 साल की ही शायद ये, लेकिन मुझे इनका पता है, जेरेमी लारिन लुंगा का पता है, मैंने इनका मैच पर्सनली देखा है, चल रहा था लाइव टीवी पे तब मैंने देखा था, सो
इनका पता है मुझे, ये 19 साल के, इनका पता नहीं बट ये पता है मुझे कि ये वेस्ट बंगाल से। अब उम्र तो नहीं पूछते कोई, बस आपको इनका नाम याद रखना है, किस गेम से रिलेटेड है वो याद रखना है, और कितने केजी कैटेगरी में, ठीक है, ये 73 किलो कैटेगरी, 73 केजी कैटेगरी में, और ये वेस्ट बंगाल के है। ये देखो 2018 के कॉमनवेल्थ गेम में भी ये जीते थे मेडल, बट गोल्ड नहीं जीते थे। इसके बाद एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई थी, वहां पे भी इन्होंने गोल्ड जीता है, और 73 केजी कैटेगरी में जीता है। तो ये कम से कम, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि मैं इनको 3-4 साल से फॉलो कर रही हूँ, मतलब जो स्पोर्ट्स कॉलम होता है द हिंदू का, वो मैं हमेशा पढ़ती रहती हूँ, तो मुझे जहां तक याद आ रहा है ये चार सालों से ये 73 केजी कैटेगरी में खेल रहे। तो देखो ये बंदे का मतलब डेडिकेशन देखो, कि जो वेट है वो 73 के इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, तो इस तरह का डेडिकेशन होना चाहिए आप लोगों का और आपका एग्जाम निकल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। चलो अच्छा, रूपा, लवली, नैन मोनी एंड पिंकी, इन चारों महिलाओं ने हिस्ट्री बना दी है, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री बना दी है। अब ऐसे क्यों, लॉन बॉल्स करके एक गेम होता है, ठीक है, लॉन बॉल्स करके एक गेम होता है जिसके बारे में हम लोगों को पता ही नहीं, आधी से ज्यादा इंडियन जनता पता ही नहीं। जिस दिन ये गेम हुआ था, जिस दिन ये न्यूज आई थी, ट्रस्ट मी, लाइक ईमानदारी से बताऊं, ऑनेस्टली बताऊं, तो मुझे भी ये गेम के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन इस गेम में जो है इन चारों लड़कियों ने गोल्ड जीता है, सारी की सारी चार लड़कियां अलग 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 जगह से बिलोंग करती है, ठीक है, कोई झारखंड से बिलोंग कर रहा है, कोई कहीं से बिलोंग कर रहा है, कोई पुलिस ऑफिसर है, कोई फॉरेस्ट ऑफिसर है, कोई स्पोर्ट्स टीचर है, ठीक है। तो इस तरह से चारों भी अलग अलग बैकग्राउंड से, चारों भी अलग अलग यू नो प्रोफेशन से आते हुए भी, और इंडिया के लिए गोल्ड जीता है पहली बार हिस्ट्री में। देखो, देयर हिस्टोरिक विन इज इंडियाज फर्स्ट मेडल इन लॉन बॉल्स। अभी लॉन बॉल्स क्या गेम होता है, लेट मी जस्ट शो यू द इमेज ओवर हियर। तो लॉन बॉल्स कुछ इस तरह से होता है कि बीच में ना एक रेड येलो, ठीक है, बीच में एक येलो कलर का बॉल होता है, या फिर होता है यहाँ पे व्हाइट कलर का बॉल, ओके, कोई भी एक बॉल रह देगा, और दो टीमें रहेंगी, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे हमको दिख रहा है इंडिया और न्यूजीलैंड की टीम के बारे में बात हुई है, लेकिन जो फाइनल हुआ था वो इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में हुआ था, बट ये गेम का जो मैंने इमेज रखा है इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच का रखा है, बस आप याद रखें क्या होता है। तो लॉन गेम्स, जो लॉन बॉल्स होता है, ये इस तरह की पूरी फील्ड होती है, तो बीच में जैसे हम लोग कैरम खेलते हैं कि रानी है, अब रानी को कैसे करना होता है, हम लोगों को रानी को जीतना होता है, उसी तरह से समझो कि ये जो बॉल है, ठीक है, इस बॉल के पास जो भी टीम मेंबर्स है, अलग अलग जो अपोनेंट टीम मेंबर्स है, उनका बॉल अगर नजदीक जाता है, जैसे ये जो ब्लू कलर का बॉल है, ठीक है, ये जो ब्लू कलर का बॉल है ये हमारा बॉल है, इंडिया का बॉल है, ठीक है, और ये जो रेड कलर का बॉल है ये न्यूजीलैंड का बॉल है। तो जो देखो ये जो हमारा ब्लू कलर बॉल है ये येलो बॉल के बहुत ज्यादा पास में नजर आ रहा है ना, पास में नजर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जितना कम डिस्टेंस होगा इस बॉल से वो टीम ज्यादा जीतेगी यहाँ, मतलब वो टीम जो है वो जीत जाएगी, सिंपल। तो हम लोगों ने लास्ट में फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराया, तो ऐसा गेम जिसके बारे में किसी को जानकारी भी नहीं है, 90% जनता इंडिया की जिसने कभी लॉन बॉल्स के बारे में सुना भी नहीं है, वहां पे जो है हमारी लड़कियों ने हमें गोल्ड जीत कर दिया है। तो अच्छे से पढ़ना है, इनके चार नाम आपको याद रखने और एवरीथिंग, ठीक है, तो पढ़ो। इंडिया गॉट इट्स फोर्थ मेडल इन द लॉन बॉल्स वुमन्स फोर्थ इवेंट, ठीक है, द इंडियन टीम फॉर द स्पोर्टिंग इवेंट इंक्लूडेड रूपा रानी ट्रिकी, लवली चौबे, नयन मोनी, साइका और पिंकी, दिस फोर गर्ल्स प्लेड एन एक्साइटिंग गेम्स अगेंस्ट साउथ अफ्रीकन अपोनेंट, ठीक है, किसके खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, ये इंपॉर्टेंट है किसके खिलाफ हमने जीता, क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है कि अब चार चार जो है प्लेयर्स है तो चार प्लेयर्स का नाम नहीं पूछेगा, तो वो क्या पूछ लेता है कि हमने अभी अभी हिस्टोरिक जीत हासिल की है लॉन बॉल्स गेम में, ठीक है, तो वो जो हमने गोल्ड जीता है किस टीम को हरा कर जीता है, तो यू शुड नो कि हमने साउथ अफ्रीकन टीम को हरा के गोल्ड जीता है, ओके। और भी बहुत ज्यादा अगर डिटेल में पूछना चाहे तो 17-10 से हम लोगों ने जीता, मतलब 17 हमारे पॉइंट्स थे, 10 उनके पॉइंट्स थे, ओके, ये सारी चीजें। लेट मी जस्ट शो यू द फोर वुमन ओवर हियर, अरे मैंने इनका इमेज तो रखा था, वेट, ये देखो चारों भी अलग अलग जो है प्रोफेशन से, सारे मतलब अलग अलग प्रोफेशन, कोई पुलिस ऑफिसर है, कोई फॉरेस्ट ऑफिसर है, कोई स्पोर्ट्स टीचर है,
पुलिस ऑफिसर दो है इसमें, ठीक है, पुलिस ऑफिसर दो है। तो इन लोगों ने देखो लॉन बॉल्स में जो है यहाँ पे इंडिया का झंडा गाड़ा है और हमारे लिए गोल्ड जीता है कॉमनवेल्थ गेम में, कॉमनवेल्थ गेम 2022 बर्मिंगम गेम भी कहते हैं इसको, यूनाइटेड किंगडम में जो हुआ था। देखो पेरी द बुल्स दे रखा है इनके हाथों पे, ठीक है, पेरी द बुल्स दे रखा है, इस वजह से पेरी द बुल भी आपको याद रखना है और इन चारों के बारे में भी आपको याद रखना है और इस गेम के बारे में याद रखना है कि ये गेम कुछ नहीं होता। जैसे हमारे कैरम में रानी होती है, रानी के पास जितना जल्दी जाओगे या रानी को जीत लोगे तो आप गेम जीत जाओगे, इस तरह से उसी तरह से यहाँ पे अगर आप इस बॉल के पास आपका बॉल जल्दी पहुंच जाता है, ठीक है, कम डिस्टेंस होगा आपके बॉल का और इस बॉल का तो आप जीत जाओगे, सिंपल। चलो ये हो गया, तो हमने चार पांच नाम याद कर लिए। देखो मीराबाई चानू, ठीक है, मीराबाई चानू 49 kg कैटेगरी में वेट लिफ्टर, जेरेमी लारी लुंगा, ओके, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ा जा रही हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड देन हमने वेस्ट बंगाल वाले शिओली जी को देखा, ठीक है, 73 kg कैटेगरी में वेट लिफ्टर। देन रूपा लवली नयनमोनी एंड पिंकी, ठीक है, इन्होंने लॉन बॉल्स ये गेम में हमारे लिए गोल्ड जीता है। नेक्स्ट है आपका शरद, हरमित और साथियान एंड सनील, इनके बारे में कौन नहीं जानता, ये टेबल टेनिस के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, ठीक है, शरद कमल जी, हरमित देसाई जी, जी साथियान के बारे में तो सब लोग ही जानते हैं, ओके, जी साथियान के बारे में सब लोग ही जानते हैं, अगर नहीं जानते हो तो प्लीज जान जाओ क्योंकि ये बंदा बहुत बढ़िया खेलता है और ये हमेशा हमारे लिए कोई ना कोई मेडल जीत के आता ही है, ठीक है। देन सनील शेट्टी, ये जो टीम है इन्होंने कम्पीट किया था सिंगापुर के साथ फाइनल में और हमारे लिए जो है गोल्ड जीता, ठीक है, किसके खिलाफ, सिंगापुर के खिलाफ खेला था और हमारे लिए गोल्ड जीता। अब मैम हम इनके सबके नाम अगर भूल जाए तो क्या करें, नाम तो भूला नहीं, नाम याद कर लो सिंपल, लेकिन ये याद रखना है कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है, चारों का नाम नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जी साथियान इज रिलेटेड टू विच गेम, तो आपको याद रखना है ही इज रिलेटेड टू टेबल टेनिस। अगर आपको पूछे शरद कमल जी किस गेम से रिलेटेड है, यू शुड नो कि ही रिलेटेड टू टेबल टेनिस, जी साथियान हो गए, सनील शेट्टी, तो इन चारों का नाम आपको याद रखना है, ठीक है, ये सिंपल है, ओके, ये सिंपल है, बस इनका नाम रट्टा मार लो और अगर फोटो देखना चाहो तो फोटो देख लो। आई थिंक मैंने नहीं ऐड किए शायद, नहीं सॉरी मैंने ऐड नहीं की इमेज बिकॉज मुझे लगा था कि सबको पता होगा साथियान जी के बारे में, तो साथियान जी का नाम आ गया, तो सिंपल है, ही इज रिलेटेड टू टेबल टेनिस और इन्हीं के बारे में पूछता है एग्जाम में, ओके, इन्हीं के बारे में पूछता है। नेक्स्ट है सुधीर कुमार जी के बारे में बताना चाहूंगी, इनकी बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है। सुधीर जी 4 साल की उम्र के जब थे इनको बहुत ज्यादा बुखार आ गया था, ठीक है, बुखार आ गया था और इनको पोलियो हो गया 4 साल की उम्र में, और पोलियो हो गया तो फिर इनका लेफ्ट लेग जो है वो काम करना बंद कर चुका था, तो ही डिड नॉट लाइक कि इन्होंने हार नहीं मानी और 2013 में इन्होंने अपना जो है पावर लिफ्टिंग का जो है स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लिया 2013 में। तो मैं लेट मी जस्ट शो यू हिज इमेज ओवर हियर, ही इज फ्रॉम हरियाणा, सुधीर जी, या ही इज फ्रॉम हरियाणा और 2013 से इन्होंने जो है स्पोर्ट्स में अपना नाम बनाना शुरू किया है। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा में ये एज अ स्पोर्ट्स टीचर की तरह काम करते हैं, शायद नहीं कोच की तरह काम करते हैं। सो इन्होंने पैरा पावर लिफ्टिंग में इंडिया के लिए गोल्ड जीता है, तो ये हमारे लिए मोटिवेशन की तरह है कि इस बंदे ने अपना जो एक तरह से हम लोग कहते हैं ना फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिर यू नो लाइक स्पेशल जो होता है कि भाई अब तो मेरा क्या हो सकता है, ये ना सोचते हुए इस बंदे ने अपनी खुद की पहचान बनाई और हमारे लिए जो है गोल्ड जीता। तो यू शुड लाइक कि इनको अपना मोटिवेशन बना सकते हो कि भाई कितनी भी कठिनाइयां आ जाए हमें करना है तो करना है, बस पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करनी है, कोई जॉब निकालना है तो जॉब निकालना है, इस तरह से, ओके। चलो तो सुधीर जी के बारे में बताना चाहूंगी मैं, इन्होंने हमारे लिए गोल्ड जीता है। सुधीर ओन द फर्स्ट वन इन द मेन्स हेवी वेट पैरा पावर लिफ्टिंग इवेंट अगेंस्ट हिज ओपोनेंट फ्रॉम नाइजीरिया। अब ये 2-3 चीजें आपको याद रखने, क्या कि सुधीर जी कहा कौन से गेम से रिलेटेड है, ही पैरा पावर लिफ्टर, ठीक है, ही इज रिलेटेड टू पैरा पावर लिफ्टिंग। सेकेंड, इन्होंने किसको हराया है, नाइजीरिया के पैरा पावर लिफ्टर को हराया है और हमारे लिए गोल्ड जीता है।
ये तीन चार बातें याद रखो सुधीर जी के बारे में। मैंने उनकी इमेज इसलिए दिखाई और कहानी इसलिए बताई क्योंकि आपके दिमाग में वो स्टोरी छप गई है, वो मूवी छप गई है, वो निकलेगी नहीं। तो आपको मैंने इसी तरह से टीचर का पढ़ाने का तरीका ऐसा ही होता है कि स्टोरी बता दो तो 10th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड छोटे से छोटे बच्चे को भी समझ में आ जाएगा और ग्रेजुएट बच्चे को भी समझ में आ जाएगा। तो यू शुड लाइक रिमेम्बर थिंग्स लाइक दिस ओनली कि स्टोरी के फॉर्मेट में पढ़ा दो, स्टोरी के फॉर्मेट में पढ़ लो, याद रह जाएगा। तो सुधीर जी की कहानी भूलनी नहीं है आपको। गोल्ड जीता है इन्होंने पैरा पावर लिफ्टिंग में मेंस हेवीवेट में, और किसको हराया है, नाइजीरिया के अपोनेंट को हराया। ओके, बजरंग पुनिया जी, बजरंग पुनिया जी के बारे में बताने की जरूरत है नहीं वैसे, बट चलो। बजरंग पुनिया जी बहुत दिनों से लाइक बहुत 2018 कॉमनवेल्थ गेम से इनका नाम आप हमेशा सुनते आ रहे हो। इवन ही वोन एक जो है हमारा ओलंपिक्स जो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, वहां पर भी इन्होंने जो है मेडल जीत रखे। तो बजरंग पुनिया जी का नाम याद रखना है। बजरंग पुनिया जो है ये रेसलर है। क्या है? रेसलर है। 86 किलो कैटेगरी में ये रेसलर है, ठीक है। इन्होंने 9th गोल्ड जीता। ये नंबर याद नहीं रखना, बस इतना याद रखो बजरंग पुनिया इज रिलेटेड टू विच गेम, ही इज रिलेटेड टू फ्री स्टाइल रेसलिंग इवेंट, ठीक है। इन्होंने कैनेडियन जो है कैनेडा के ओपोनेंट को हराया। लेट मी जस्ट शो यू हिज इमेज ओवर हियर। बजरंग पुनिया देखो हमारा झंडा लहराते हुए बजरंग पुनिया जी। तो ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? हरियाणा से बिलोंग करते हैं। इसके पहले भी इन्होंने जो है 2018 के कॉमनवेल्थ गेम में मेडल जीता था, लेकिन इस बार इन्होंने सीधा गोल्ड जीता है। ये इनका थोड़ा सा ऐसा हुआ था, डिमोटिवेट हो चुके थे ये 2020 का जो टोक्यो का गेम हुआ था, सो इनको लग रहा था कि ये गोल्ड जीतेंगे बट नहीं जीत पाए थे। बट स्टिल जहाँ चाहे वहाँ रहा है, इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड जीत लिया। ओके, लेट मी जस्ट शो यू। यहाँ पे तो बजरंग पुनिया 86 kg कैटेगरी, ये याद रखना है। इनका नाम याद रखना है, कौन से गेम से रिलेटेड वो याद रखना है, और बहुत ही ज्यादा डिटेल में पूछना चाहिए एग्जामिनर। तो ये याद रखो कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। ही बिलोंग फ्रॉम हरियाणा। ओके, ही बिलोंग फ्रॉम हरियाणा। साक्षी मलिक, साक्षी मलिक जी का बहुत ही ज्यादा इमोशनल वीडियो वायरल हुआ था। एक्चुअली जब ये गोल्ड जीती थी, तो गोल्ड जीतने के बाद क्या होता है कि आपका जो है राष्ट्रगान शुरू हो जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रगान जो है वहां पे शुरू हो चुका था एंड लिटरली आई क्राइड। मुझे भी जब वो वीडियो आया था व्हाट्सएप पे, तो मैंने देखा कि मतलब लाइक मोदी जी का कुछ ट्वीट था उसके ऊपर। सो खुशी के आंसू थे, ठीक है, खुशी के आंसू थे, और मैं भी रो पड़ी, और जितने लोगों ने वो वीडियो देखा सारे लोग रो पड़े। क्योंकि साक्षी मलिक जी कुछ समय से डिप्रेस मोड में चल रही थी। साक्षी जी भी, विनेश फोगाट जी भी, बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन बिकॉज ऑफ कोविड बहुत ज्यादा डिप्रेस हो चुके थे। क्योंकि क्या था कि इनका प्रैक्टिस वगैरह रुक चुका था। प्रैक्टिस रुक गया तो फिर क्या होता है कि जैसे हम लोगों का होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो बच्चे होते हैं उनका क्या है कि भाई प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो उस तरह से हुआ था। और बहुत सारे जितने भी एथलीट्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है, उनका आप इंटरव्यू देखो 2021 का, या फिर आपका जो टोक्यो वाला गेम होने के बाद उनका इंटरव्यू देखना, बहुत सारे लोगों ने ये बताया है। तो ये ऐसा मत समझो कि तुम अकेले हो, तुम अकेले फील कर रहे हो, नहीं, सबके साथ होता है ऐसा। बस जीतता कौन है उस पे वो डिपेंड करता है कि आप उस फेज से जल्दी निकल जाओ। तो साक्षी मलिक जी उसी का एग्जाम्पल है। शी क्राइड लाइक रियली, वो बहुत ही खुशी के आंसू थे, लेकिन बहुत लाइक बहुत ही ज्यादा इमोशनल वीडियो था वो। अगर आप देखना चाहो तो यूट्यूब पे देख सकते हो। फिर मोदी जी ने भी कहा था कि ये खुशी के आंसू है और तुम्हारा जो मेहनत है ऑल, कुछ ट्वीट आया था उनका। बट या ये कहानी मैं आपके दिमाग में ये इसीलिए डालना चाहती थी क्योंकि आप साक्षी मलिक जी को याद रखो। अब साक्षी मलिक जी जो है ये इन्होंने जीता है गोल्ड, ठीक है। कैनेडा की इनकी अपोनेंट थी एना गोंजालेस, ठीक है, एना गोंजालेस, इनको हरा के रेसलिंग में। लेट मी जस्ट शो यू साक्षी मलिक ओवर हियर। ये देखो साक्षी मलिक जी, देखो उनकी आंखों में चमक, देखो गोल्ड की। 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम रेसलिंग गेम इन्होंने जीत लिया है गोल्ड इसमें। अब कौन से केजी कैटेगरी में, मतलब वेट जो है कौन से कैटेगरी में जीता है, तो ये भी याद रखना है। 62 kg कैटेगरी, ठीक है, 62 kg कैटेगरी। कभी कभी क्या होता है जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे ये पूछ लेता है, लेकिन जो नॉर्मल एग्जाम है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा मतलब 10th लेवल पे जो एग्जाम्स है वहाँ पे सिर्फ इनका नाम पूछ लेगा और किस गेम से रिलेटेड है इतना पूछ लेगा, दैट्स इट। देन दीपक पुनिया, दीपक पुनिया इज फ्रॉम हरियाणा। साक्षी मलिक जी शी इज फ्रॉम हरियाणा। ओके, दीपक पुनिया जो है इन्होंने भी रेसलिंग में मेन्स फ्री स्टाइल में 86 kg कैटेगरी में ही गोल्ड जीता है, और इन्होंने हराया है पाकिस्तान के मोहम्मद इनम बुट को। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है दीपक पुनिया जी के बारे में। इन्होंने हराया है पाकिस्तान के मोहम्मद इनम बुट को
इन द फाइनल। और ये जो मोहम्मद इनाम है ये ऐसे वैसे खिलाड़ी नहीं थे, ये बहुत ही ज्यादा रिनाउंड पर्सनैलिटी है। इन्होंने पहले 2 गोल्ड मेडल जीते थे, ठीक है, पहले तो जो मतलब 2 टाइम्स गोल्ड मेडलिस्ट है उनको हरा के इन्होंने गोल्ड जीता है कॉमनवेल्थ गेम में। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोगों की। दीपक पुनिया जो है, ठीक है, दीपक पुनिया जो है ही इज फ्रॉम हरियाणा, फ्री स्टाइल, ठीक है, मेन्स फ्री स्टाइल 86 kg कैटेगरी में इन्होंने मोहम्मद इनाम भुट्ट को, ठीक है, हराया है इन द फाइनल। और मोहम्मद इनाम भुट्ट जो है ये ऐसे वैसे पर्सनालिटी नहीं थी, ये भी बहुत ही ज्यादा रिनाउंड पर्सनालिटी है, 2 टाइम्स गोल्ड मेडल विनर। और इनको हरा के इन्होंने जो है 86 kg कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। तो लेट मी जो शो यू द इमेज ओवर हियर, तो आपके दिमाग में वो छप जाएगा। लेट मी, ये देखो, ये है आपके दीपक पुनिया जी और ये है आपके पाकिस्तान के मोहम्मद इनाम भुट जी। तो इनको हरा के इन्होंने गोल्ड जीता है, ठीक है, इनको हरा के इन्होंने गोल्ड जीता है। ही इज फ्रॉम हरियाणा, 86 kg कैटेगरी, ठीक है, कितने, कौन सी कैटेगरी, 86 kg कैटेगरी में। तो ये आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन सकता है एग्जाम में, कॉमनवेल्थ गेम हमेशा से इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है। दीपक पुनिया जी के बारे में पढ़ लिया हमने, इन्होंने पाकिस्तान की, ठीक है, पाकिस्तान के 2 टाइम्स गोल्ड मेडलिस्ट मोहम्मद इनाम भुट जी को हराया है। देने रवि कुमार दहिया 57 kg कैटेगरी, और इतने दिनों से ये 57 kg कैटेगरी में ही खेल रहे। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना जो वेट का क्राइटेरिया चेंज वगैरह नहीं किया है, बहुत ही मतलब डेडिकेशन देखो इन स्पोर्ट्स पर्सन का, बहुत बढ़िया है। तो रवि कुमार दहिया जी ने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता है मेन्स फ्री स्टाइल 57 kg कैटेगरी। अब आपको रवि कुमार दहिया जी का नाम याद रखना है और कौन से गेम से बिलोंग करते हैं इतना याद रखना है। और अगर कोई स्टेट के लेवल की एग्जाम दे रहे जैसे MPSC, RPSC, ये कोई, तो आपको इनका जो है कितने केजी कैटेगरी, ठीक है, वेट जो है इनका वो भी याद रखना है आपको। ओके, रवि कुमार दहिया, ये देखो रवि कुमार दहिया जी, तो रवि कुमार दहिया जी जो है इन्होंने गोल्ड जीता है इंडिया के लिए। ओके, गोल्ड जीता है इंडिया के लिए, याद रखना है। नेक्स्ट है विनेश फोगाट जी जो है इन्होंने हमारे लिए गोल्ड जीता है 53 kg कैटेगरी में, 53 kg रेसलिंग कैटेगरी, ठीक है। फाइनल मैच जो है इन्होंने श्रीलंकन, इनके अपोनेंट है, उनके खिलाफ जो है फाइनल जीत कर 53 kg कैटेगरी में जो है इन्होंने गोल्ड जीता है। इनका भी यही कहना था कि ये डिप्रेस थी बहुत ज्यादा, इन्होंने देखो ओलंपिक्स जो हुआ था उसमें ये रो पड़ी थी। और ओलंपिक्स गेम का अगर आप कभी यू नो लाइक ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम्स, ऐसे गेम्स हैं उसमें जो व्यक्ति जीता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि वो कभी कभी होते हैं ना 2-2 साल 4-4 साल के बीच में, तो आपको वो इंटरव्यूज वगैरह देखने, अगर कोई गोल्ड मेडलिस्ट है तो उसका तो पूरा ही पूरा 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 पढ़ना पड़ता है आप लोगों को। लेकिन अगर कोई भी अगर मेडल जीत रहा है तो वो भी आपको अच्छे से पढ़ना है, अगली क्लास में बढ़िया तरीके से आप लोगों को वो भी पढ़ा दूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, चलो, तो विनेश फोगाट जी जो है इन्होंने 53 kg कैटेगरी में गोल्ड जीता है, श्रीलंकन अपोनेंट थी उनको हरा के ये जीता है, ठीक है। और ये रेसलर है, क्या है, ये रेसलर है, याद रखना है। देन है आपके नवीन कुमार जो है ये अनदर रेसलर, मेन्स फ्री स्टाइल 74 kg कैटेगरी, ठीक है, ये बिलोंग करते हैं आपके नवीन कुमार जी। अच्छा, नवीन कुमार, मैंने जब नवीन कुमार सर्च कर रही थी तो नवीन कुमार गौड़ा करके आ रहा था, तो मुझे पता चला कि यश जो है KGF का यश, उनका एक्चुअल नाम नवीन कुमार गौड़ा है। इज इट राइट और रॉन्ग, आई डोंट नो, मैंने वो क्लिक नहीं किया, मैंने बस, मुझे ये नवीन कुमार जी का इमेज चाहिए था, दैट्स व्हाई मैंने सिर्फ नवीन कुमार जी ऐसे टाइप किया तो तुरंत उनके बाद यश का फोटो आ रहा था। तो ये क्या सही बात है, अगर है तो क्या करो कि नवीन कुमार और उनको इंटरलिंक करके याद रख लो। अब इंटरलिंक करके याद रखने का क्या फायदा होता है कि एग्जाम में याद आ जाता है चीजें, और याद आना इंपॉर्टेंट है ना, इतना पढ़ते तो याद नहीं आएगा तो बहुत परेशानी होगी। तो देखो नवीन कुमार गौड़ा जी ने जो है इंडिया के लिए गोल्ड जीता है, ही इज नवीन कुमार गौड़ा इन्होंने इंडिया के लिए गोल्ड जीता है। महज 19 साल का बच्चा ही है, ठीक है, महज 19 या 20 साल का बच्चा है, ज्यादा इनकी उम्र नहीं है, और इन्होंने इंडिया के लिए गोल्ड जीता है। ओके, चलो, नवीन कुमार, और इनका इंटरव्यू देख रही थी मैं, तो इनके इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि फाइनल में जब मैं पहुंचा, ठीक है, फाइनल जो गेम था, तब मुझे पता चला कि मैं पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का जो प्लेयर है वो मेरा अपोनेंट है, तो मैं इतना ज्यादा जोश में आ गया और मैंने ये अपने आप से ठान ही लिया कि मुझे गोल्ड जीतना है।
ठीक है, फिर कोई भी गेम हो यार, क्रिकेट गेम हो या कोई भी गेम हो, अगर पाकिस्तान का अपोनेंट है हमारे खिलाफ, अगर हम जीतते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम में। उस बंदे ने, जिस बंदे ने गेम जीता है, वो बंदा और वो गेम से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि पाकिस्तान का कौन सा अपोनेंट था जिसको हराया, तो एग्जामिनर पूछ सकता है। तो याद रखना आपको, पाकिस्तान का मोहम्मद ताहिर जो है, ठीक है, पाकिस्तान का मोहम्मद ताहिर, उसको डिफीट किया है नवीन कुमार जी ने। ठीक है, नवीन कुमार जी ने डिफीट किया है किसको, मोहम्मद ताहिर जी को, और इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता है। ये भी रेसलर ही है, ठीक है, रेसलर है नवीन कुमार जी। नेक्स्ट, भाविना पटेल। भाविना पटेल, पटेल से क्या समझ में आ रहा है, पटेल, हाँ सही समझ रहे हो, गुजरात से बिलोंग करती है ये, ठीक है। तो भाविना पटेल जो है, इन्होंने पैरा टेबल टेनिस वुमन्स सिंगल C35 ये इवेंट है, उसमें इन्होंने गोल्ड जीता है इंडिया के लिए, ठीक है। भाविना पटेल, लेट मी जस्ट शो यू हर इमेज ओवर हियर, तो याद रहेगा ही, ये लो, भाविना पटेल जी ने इंडिया के लिए गोल्ड जीता है, ठीक है, इंडिया के लिए गोल्ड जीता है कॉमनवेल्थ गेम, कॉमनवेल्थ गेम 2022, और शी इज फ्रॉम गुजरात, ठीक है। एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है, एग्जाम में पूछ लेता है कि कहाँ से बिलोंग करता है कोई खिलाड़ी। चलो, भाविना पटेल कंप्लीट। नेक्स्ट है नीतू घंगास, ठीक है, नीतू घंगास। नीतू घंगास जो है, इन्होंने अपनी इंग्लिश अपोनेंट को हरा के 48 किलो कैटेगरी में, पीजी कैटेगरी में बॉक्सिंग इवेंट जीता है, ठीक है। नीतू घंगास जो है, इन्होंने भी हमारे लिए गोल्ड मेडल जीता है, याद रखना है, इनका इमेज रखा है मैंने, यस, ये भी छोटी सी बच्ची है, आई थिंक 21 साल की है। इन्होंने अपना करियर जो है 15 साल की उम्र से शुरू किया था, तो इन्होंने जीता है, नीतू घंगास, इन्होंने जीता है गोल्ड, ओके, गोल्ड जीता है। तो देखो कितने छोटे छोटे बच्चे हैं ये, बहुत ही छोटे छोटे बच्चे। नीतू घंगास, नीतू घंगास ने हराया है इंग्लिश अपोनेंट, उनका नाम नहीं यहाँ पे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखो नीतू घंगास वुमन्स 48 केजी कैटेगरी बॉक्सिंग इवेंट में जीता है गोल्ड इंडिया के लिए। तो नीतू घंगास कौन है, बॉक्सर है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है आपका अमित पंघल। अमित पंघल ने मीन्स फ्लाईवेट, ठीक है, फ्लाईवेट बॉक्सिंग इवेंट में गोल्ड जीता है। अमित पंघल जो है, इन्होंने 14 नंबर का गोल्ड जीता था इंडिया के लिए। अब फ्लाईवेट क्या चीज होता है, क्या उड़ते उड़ते वेट पकड़ना है कि नहीं, सिंपल है, फ्लाईवेट वेट लिफ्टिंग की तरह है। लेट मी जस्ट शो यू अमित पंघल ओवर हियर, ये देखो अमित पंघल, ठीक है, अमित पंघल और ये नीतू घंगास, इन दोनों ने एक ही दिन में ये अलग अलग पैरेलल बेसिस पे इवेंट चल रहे थे, तब इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। अमित पंघल जी का देख लिया हमने इमेज, याद रखना है कि अमित पंघल इज रिलेटेड टू फ्लाईवेट बॉक्सिंग, ठीक है, फ्लाईवेट बॉक्सिंग। नेक्स्ट है आपका निखत जरीन। निखत जरीन के बारे में मुझे ये पता चला है कि जहां मैं रहती हूँ, ठीक है, वहां से बहुत ही नजदीक ये इनका गांव था निजामबाद, ठीक है, निजामबाद हैदराबाद जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, दे नो अबाउट दिस प्लेस। तो निजामबाद जो हैदराबाद को जाते समय लगता है, निजामबाद से बिलोंग करती थी, लेकिन अभी ये तेलंगाना में या फिर आंध्रा में शिफ्ट हो चुकी है बिकॉज ऑफ आंध्रा एंड तेलंगाना स्प्लिट। लेकिन ये इतना याद रखना है निखत जरीन के बारे में, ये बताना चाहूंगी, शी इज अ बॉक्सर, ठीक है, शी इज अ बॉक्सर। उन्होंने 52 केजी कैटेगरी में गोल्ड जीता है इंडिया के लिए, और इन्होंने हराया नॉर्थ आयरलैंड के कार्ली मैकनॉल को, ठीक है, कार्ली मैकनॉल को हराया है। मैं उनकी इमेज दिखाती हूँ आप लोगों को, वेट, ये देखो निखत जरीन, ठीक है, इन्होंने जीता है इंडिया के लिए गोल्ड। इनकी आंखों में चमक देखो इस गोल्ड की, ठीक है, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है शायद, ये मुझे उतना पता नहीं है, बट ये निजामबाद से बिलोंग करती है मुझे पता है, तो आंध्र निजामबाद माने अभी तेलंगाना से बिलोंग करती है, ठीक है, तेलंगाना से बिलोंग करती है, याद रखना है निखत जरीन, ठीक है। अब इनका इमेज दिखा दिया, अब आपके आंखों में छप गया इनका इमेज, आप भूलोगे नहीं, ये गारंटी इमेज, ठीक है। तो निखत जरीन ने जो है ये जीत रखा है, शी इज बॉक्सर, ठीक है, एक हाथ पड़ेगा तो हम नीचे गिर जाएंगे, तो पास मत जाना उनके, तो शी इज अ बॉक्सर, और उन्होंने 52 केजी कैटेगरी में इंडिया के लिए गोल्ड जीता है। नेक्स्ट है आपका एल्ड हाउस पॉल जो है, वो जो जंप होता है, लॉन्ग जंप जो होता है, उसमें उन्होंने 17.03 मीटर लॉन्ग जंप लिया और इंडिया के लिए गोल्ड जीता है, ठीक है। एल्ड हाउस पॉल जो है, कितना 17.03 मीटर का लॉन्ग जंप लिया, ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है, 17.03 मीटर का लॉन्ग जंप लिया है, और इन्होंने इंडिया के लिए 17 नंबर का जो है
17 नंबर का ही, देखो कितना मतलब लाइक की राइमिंग हो रहा है, 17 नंबर का ही गोल्ड मेडल जीता है और ये फर्स्ट गोल्ड मेडल है इन मेंस ट्रिपल जंप, ठीक है, फर्स्ट गोल्ड मेडल था इन मेंस ट्रिपल जंप। लेट मी जस्ट शो यू हिज इमेज ओवर हियर, ये देखो ये है पॉल, ठीक है पॉल है, इन्होंने 17.03 मीटर लॉन्ग जंप लिया है और ये गोल्ड जीत लिया हमारे लिए, इंडिया के लिए गोल्ड जीत लिया, ठीक है ध्यान रखना है। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका शरद कमल और सिरजा अकुला, ठीक है शरद कमल और सिरजा अकुला, इन दोनों ने आपका जो है मलेशियन अपोनेंट पेयर था उनको हरा के टेबल टेनिस में, मिक्स डबल टेबल टेनिस इवेंट हुआ था उसमें फाइनल में गोल्ड जीत लिया इंडिया के लिए, ठीक है इन दोनों का नाम आपको याद रखना है मोस्ट इम्पोर्टेंट, कौन शरद कमल और सिरजा अकुला। लेट मी जस्ट शो यू द इमेज ओवर हियर, हंसते हुए चेहरे देखोगे तो याद रह जाएगा, ये देखो शरद और सिरजा, ठीक है इन्होंने जीता है गोल्ड जो है डबल टेबल टेनिस में, डबल टेनिस इवेंट में जो है टेबल टेनिस इवेंट में इन्होंने इंडिया के लिए गोल्ड जीता है, याद रखें आप लोगों को। ओके मिक्स डबल टेनिस तो मलेशियन अपोनेंट को हरा के इन्होंने ये जीता है और 3-1 के स्कोर से जीता है, तो बहुत अच्छा स्कोर किया इन्होंने और ये जीत गए। तो शरद कमल जी और सिरजा अकुला दोनों ने गोल्ड जीता है। पीवी सिंधु जी को तो सभी लोग जानते हैं, शी इज द बैडमिंटन प्लेयर, फेमस बैडमिंटन प्लेयर। तो आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं बनेगा कि पीवी सिंधु इज रिलेटेड टू विच गेम, नो ये पूछेगा ही नहीं, ये गारंटी है। पूछेगा क्या फिर कि पीवी सिंधु किस स्टेट से बिलोंग करती है या फिर उन्होंने गोल्ड जीता है हाल फिलहाल कॉमनवेल्थ गेम में तो किसको हरा के जीता है या फिर कौन से कंट्री के प्लेयर को हरा के जीता। तो याद रखना है उन्होंने कनाडा की जो प्लेयर है उनकी जो ओपोनेंट थी माइकेले उनको हरा के ये जो जीता है वुमन सिंगल बैडमिंटन इवेंट में गोल्ड जीत रखा है, ठीक है गोल्ड जीत रखा है और 19 नंबर का गोल्ड जीता है। और ये किस स्टेट से बिलोंग करती है तो ये तेलंगाना से बिलोंग करते हैं, ठीक है ये तेलंगाना से बिलोंग करती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवी सिंधु जी के बारे में याद रखना आपको। लक्ष्य सेन जी को सब लोग जानते हैं, यही ऑल्सो बैडमिंटन प्लेयर। पीवी सिंधु जी का गेम खत्म होते ही दूसरा गेम इनका शुरू हुआ था पैरेलल बेसिस पे, इन्होंने भी जो है जीत रखा था। फॉलोइंग सिंधु विन द सक्सेसिव गोल्ड मेडल वॉज ब्रॉट इन द सेम स्पोर्ट्स बाय द लक्ष्य सेन इन मेन सिंगल बैडमिंटन इवेंट। तो याद रखना है लक्ष्य सेन जी का भी नाम याद रखो, ही इज ऑल्सो फेमस प्लेयर। लक्ष्य सेन ने भी बैडमिंटन में गोल्ड जीता है और पीवी सिंधु जी ने भी जो है बैडमिंटन में गोल्ड जीता है। अब ये है आपका अचंता शरद कमल, ठीक है अचंता शरद कमल, तो सीधा हम इस पेज पे चले जाते हैं, ठीक है अचंता शरद कमल तो ये देखो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है मेन्स टीम एंड मिक्स डबल में, ठीक है और साथ ही साथ मेन्स सिंगल टेबल टेनिस में, ये तो अपने टीम के साथ खेले ही खेले थे उसमें भी इन्होंने जीता था गोल्ड, साथ ही साथ अपना एक सिंगल ये खेले और उसमें भी इन्होंने गोल्ड जीता है, ठीक है और ये 21 नंबर का हमारा इंडिया का गोल्ड था, कितने नंबर का 21 नंबर का गोल्ड था। तो पूरे हमने गोल्ड जीत रखे हैं पूरे के पूरे 22, तो उसमें आपको इनका भी नाम याद रखना है अचंता शरद कमल, ठीक है अचंता शरद कमल जी ने जो है ये जीत रखा है गोल्ड। ये टेबल टेनिस से बिलोंग करते हैं, कौन से गेम से बिलोंग करते हैं टेबल टेनिस जो गेम है इसको पिंग पोंग गेम भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है पिंग पोंग गेम। ये जो टेबल टेनिस गेम है ये चाइना का नेशनल गेम है, ठीक है चाइना का नेशनल गेम है। अच्छा इंडिया का नेशनल गेम क्या है बताना जरा, इंडिया का नेशनल गेम क्या है, हमारा कोई नेशनल गेम नहीं है। तो आप बोलोगे मैम इतने सालों से हॉकी सुनते आ रहे हैं हमारा वो नेशनल गेम नहीं है, देखो हमारा वो नेशनल गेम नहीं है बस उसको वो बहुत ही ज्यादा फेमस था पहले, ठीक है बहुत ज्यादा, जैसे अभी क्रिकेट बहुत ज्यादा फेमस है उसी तरह से हॉकी पहले बहुत ज्यादा फेमस हुआ करता था और हमने एक के बाद एक ओलंपिक में हॉकी में गोल्ड जीते थे, जैसे वो हॉकी जो है वो बहुत ज्यादा फेमस गेम बन चुका था और हॉकी जो है इंडिया का डी फैक्टो नेशनल गेम बन चुका है। अब डी फैक्टो का मतलब क्या होता है, डी फैक्टो का मतलब होता है कि बोल बोलकर उस चीज को उस गेम को उस व्यक्ति को इतना महत्वपूर्ण बना देना कि वो चीज हमें सच लग जाना। जैसे
एसआरके क्या कहते हैं जो शाहरुख खान है उनको हम क्या कहते हैं, बॉलीवुड का किंग। क्या वो रियल में बॉलीवुड के किंग है? नहीं, बट हम उसको कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज ही इज फेमस पर्सन और हम उस तरह से उनको मानते हैं। जब भी मैं कहूँ कि बॉलीवुड का किंग तो आपके सामने एसआरके का ही नाम आएगा। उसी तरह से डिफैक्टो का मतलब यही होता है कि बोल बोलकर उस व्यक्ति का, उस गेम का इतना ज्यादा महत्व बढ़ जाता है, इतनी फेमस हो जाती है वो चीज कि वो एक तरह से इतिहास रच देती है। इसलिए ये डिफैक्टो होता है, ठीक है? डिफैक्टो कहीं लिखा हुआ नहीं है किसी भी राजपत्र में। राजपत्र माने नेशनल जो आपका डॉक्यूमेंट होता है, वहां पे किसी भी तरह से कुछ भी लिखा हुआ नहीं है कि नेशनल गेम के बारे में। बट डिफैक्टो तरीके से हॉकी जो है वो आपका नेशनल गेम हो चुका है। जो लिखा जाता है उसको डिजोर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिजोर कहते हैं। डिजोर का मतलब कि ऑफिशियल, ठीक है? ये ऑफिशियल हो चुका है कि हाँ ये गेम है वगैरह वगैरह। लेकिन इंडिया का एज सच कोई नेशनल गेम नहीं है। मैं अभी चाइना का बता रही थी, दैट्स व्हाई मुझे याद आ गया। तो टेबल टेनिस को पिंग पोंग गेम भी कहा जाता है। चाइना का नेशनल गेम टेबल टेनिस है। नेक्स्ट है आपका सत्विक सहराज रांकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी, ठीक है? तो याद रखना है। तो इंडिया का जो गोल्ड विनिंग स्ट्रिक था वो एंड हुआ 22 नंबर के गोल्ड पे, जो सात्विक सहराज और आपके चिराग शेट्टी जी ने जीता है बैडमिंटन में मेंस डबल इवेंट में। मेंस डबल क्या होता है कि एक ऐसा नेट है, इधर दो लड़के एक दूसरे के साथ जो है आपका टेनिस खेल रहे, ठीक है? सॉरी, बैडमिंटन खेल रहे। तो आपको इनके दोनों का नाम याद रखना है, सात्विक साईराज और आपका चिराग शेट्टी। चिराग शेट्टी को तो सब लोग जानते हैं, चिराग शेट्टी फेमस है बैडमिंटन प्लेयर। सात्विक साईराज के बारे में अभी सुना होगा आप लोगों ने। याद रखना है इनका नाम कि इन्होंने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम में। और जो 2026 का कॉमनवेल्थ गेम होने वाला वो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। ये एग्जाम का 100% क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में आपको ये 100% देखने को मिलेगा। तो याद रख लो 2026 का जो कॉमनवेल्थ का गेम का वेन्यू है वो कहाँ पे है? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? अब कॉमनवेल्थ गेम के बारे में बता चुकी हूँ कि दो कॉमनवेल्थ गेम्स ऑफन रेफर्ड एज अ फ्रेंडली गेम, ठीक है? कॉमनवेल्थ गेम को फ्रेंडली गेम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रेंडली गेम। ये क्वाड्रिनिलियन का मतलब क्या होता है? चार साल में एक बार, ठीक है? क्वाड्रिनिलियन। तो ये इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट है अमंग एथलीट्स एंड कॉमनवेल्थ नेशन। ये जो इवेंट है वो स्टार्ट हुआ था 1930 में। कब स्टार्ट हुआ था? 1930 में। दो बार ये बीच में ब्रेक आया था, 1942 और 1946 में। ये बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, ठीक है? बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। तो आप बोलोगे मैम वर्ल्ड वॉर टू तो जो है 1945 में खत्म हो गया, फिर 1946 वाला गेम क्यों नहीं किया? तो दिवालिया निकल चुका था इनका, जीत गए थे लेकिन पैसे नहीं थे, इस वजह से उन्होंने गेम नहीं करवाया। तो 1946 और 1942 के टाइम पे जो है कॉमनवेल्थ गेम नहीं हुए। उसके पहले और उसके बाद कंटिन्यू कॉमनवेल्थ गेम हुए है, ठीक है? और इंडिया ने कब होस्ट किया था? 2010 में। अब इसके आगे का जो ये पूरी ये जो मैंने पूरा एक डॉक्यूमेंट रखा है ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।